लेकिन जब वो अचानक तय कर लेते हैं कि आज मैं पाकिस्तान में पहुंचूंगा अचानक होता है मैं या? उस समय भी था उनके अच्छा। साथ और देखिए उस समय था हाँ। और अचानक निर्णय था उस समय मैं उनके साथ नहीं। निर्णय हुआ जब उन्होंने वहाँ काबुल में नवाज शरीफ साहब के साथ वो उन, जैसे मुझे याद है उनके उनका जन्मदिन था और तो उन्होंने फोन किया फिर बात वहां से निकली कि घर में शादी हो रही थी तो निर्णय था तो हमें अब उसको उसके लिए जो भी व्यवस्था बनानी थी हमें बनाना था तो समय कम था तो पर हमने जो करना था हमने प्रधानमंत्री के विदेश दौरे बड़े मशहूर हैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स पैक करते हैं ये विदेश मंत्रालय के लिए इसके क्या मायने होते हैं कितना आप लोगों पर क्या रहता है उस समय प्रेशर अब देखिए प्रे, मैं प्रेशर तो नहीं कहूँगा पर प्रधानमंत्री अब उनकी आदत है और उनकी अब मैं क्या कहूँ उनकी ऊर्जा की लेवल कुछ अलग ही है तो कभी कभी वो ऐसे दौरे होते हैं जहाँ वो जाते हैं एक रात रुकते हैं कभी कभी आधे दिन रुकते हैं निकल भी जाते हैं जैसे आ, एक ट्रिप मुझे याद है अभी भी कि हम सुबह निकले अफग़ानिस्तान गए वही रात कतर गए वहाँ एक दिन रुके रात को स्विट्ज़रलैंड गए उसके बाद अमेरिका गए मेरे ख्याल से एक या दो रात रुके वहाँ से मेक्सिको गए वापस आए तो मैंने पाँच दिन या छः दिन में छः देशों का दौरा हुआ अब मैं जो पहले की जो हमारी व्यवस्था जो थी मुझे लगता है शुरू शुरू में हम लोगों को हमारे लिए चुनौती थी कि, ए, कि इसके कि हम इसकी तैयारी कैसे करें कि उनके साथ जैसे आपने आपका कभी ऐसा अनुभव था ही नहीं कि कि ऐसे मैंने दौर हाँ तूफानी ठीक है तो, <laughs> तो अब मुझे लगता है कि हम लोग भी हैं माने हमने इसको इंटरनलाइज कर लिया है हमारी तैयारी जो है उसी के मुताबिक होती है तो ये तो है एक किस्म से मैं कहूँगा क्योंकि अब मैंने दोनों साइड देखा है पॉलिटिकल भी देखा है और ब्यूरोक्रेटिक भी देखा है प्रधानमंत्री ने जो ब्यूरोक्रेसी पे जो जो दबाव नहीं जो उन, उनकी जो अपेक्षा जो थी और ब्यूरोक्रेसी से उन्होंने रिजल्ट कैसे निकालें ये ये उनकी खासियत है कि वही ब्यूरोक्रेसी से क्योंकि ये सोचे कि जो चौदह के पहले जो थे वही लोग बाद में भी थे कि सिस्टम से कैसे सिस्टम को कैसे सिस्टम्स की परफॉर्मेंस जो है इसको कैसे बढ़ाएं ये इनकी बहुत मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी उपलब्धि और जब वो अचानक कुछ बदल देते हैं जैसे उनके हालांकि वो राजनीतिक विवाद भी बहुत हुआ था उस पर लेकिन जब वो अचानक तय कर लेते हैं कि आज मैं पाकिस्तान में पहुंच मैं, मैं अचानक समय, होता है अच्छा। देखिए वो समय था और अचानक निर्णय था उस समय मैं उनके साथ नहीं निर्णय हुआ जब उन्होंने वहाँ काबुल में नवाज़ शरीफ साहब के साथ वो उन जैसे मुझे याद है उनके उनका जन्मदिन था और तो उन्होंने फ़ोन किया फिर बात वहाँ से निकली कि घर में शादी हो रही थी तो निर्णय था तो हमें अब उसको उसके लिए जो भी व्यवस्था बनानी थी हमें बनाना था समय कम था तो पर हमने जो करना था हमने किया पर 2014 के पहले और जो 2014 के बाद क्योंकि आपका बहुत लंबा लगभग चार दशक का करियर रहा है एक डिप्लोमैट के तौर पर बहुत परिवर्तन देखते हैं आप हाँ हाँ बहुत परिवर्तन देखते हैं